नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर बीम मशीनिंग के बारे में। लेजर बीम मशीनिंग क्या है? लेजर बीम की सहायता से जब किसी वर्कपीस से एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेजर बीम मशीनिंग। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है और इसको लेजर बीम मशीनिंग क्यों बोला जाता है। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन रेडिएशंस। कंप्लीटली इसको बोले तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। यहां पे एक लाइट बीम है, उसको हम बेसिक एम्प्लीफाई करते हैं, मींस पूरा विस्तारित करते हैं बाय स्टिम्युलेटेड, मींस एक उत्तेजित टाइप, एक हीटेबल टाइप, एक हाई टेम्परेचर टाइप उसको एमिट करते हैं और उसको रेडिएशन के रूप में एक पॉइंट पे इम्पिंज करते हैं ताकि वहां से एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जा सके। तो यहां से लेजर बीम मशीनिंग क्या हो गई? लेजर बीम मशीनिंग हो गई कि लेजर की सहायता से उसकी बीम बना करके कंप्लीटली और मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग से मीनिंग एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना और उस वर्कपीस को क्लॉज टॉलरेंस नियर लेके जाना, मीन्स 100% एक्यूरेट बनाना। तो इसको बोलेंगे लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस। जो लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले मेटल को हीटअप किया जाता है, उसकी सहायता से वो बेसिकली मेल्ट होती है और फिर उसका प्रोपोर्शंस वेपोराइज होता है। यहां से वो वेपोराइज होगा, राइट साइड में अगर फिगर पे आप क्रसर देख पा रहे हैं तो यहां से वो वेपोराइज होगा। तो मेनली एक प्रोसेस, एक वे है, एक रास्ता है लेजर बीम मशीनिंग, जिसमें हम मेटल को सबसे पहले हीट करते हैं, उसके बाद उसको बेसिकली मेल्ट करते हैं और फाइनली वो वेपोराइज होती है। जो मेन फंक्शन है यहाँ पे वो बात करते हैं डिटेल में, राइट साइड में जो फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे पावर सोर्स सप्लाई किया जाता है। जो पावर सोर्स है वो यहाँ पे फ्लैश ट्यूब को दिया जाता है। अब यहां से समझते हैं फ्लैश ट्यूब का क्या फंक्शन है। फ्लैश ट्यूब का बेसिक फंक्शन है, ये जो ट्यूब होती है ये इसका बेसिक फंक्शन है टू लिबरेट हायर एनर्जी, मीन्स हायर एनर्जी यहां से लिबरेट करना। और उसको लिबरेट कहां पे करना? एक क्रिस्टल पे, एक रूबी टाइप क्रिस्टल पे। ये जो ट्यूब होती है ये जिनन ट्यूब होती है। जिनन ट्यूब से समझे तो कि एक प्रकार का ग्लास टाइप ट्यूब है और उसके अंदर धुआं जैसा, जैसे स्मोक होती है व्हाइट कलर की, तो इस प्रकार का वो रहता है। तो यहाँ पे ये फ्लैश ट्यूब है और इस फ्लैश ट्यूब का मेन फंक्शन है, बोथ साइड से यहाँ पे अगर समझे तो इसका मेन फंक्शन है टू लिबरेट हायर एनर्जी लेवल। और इस हायर एनर्जी को सप्लाई किया जाता है रूबी क्रिस्टल पे। अब समझे रूबी क्रिस्टल के बारे में। रूबी क्रिस्टल का बेसिक फंक्शन होता है टू कन्वर्ट हायर एनर्जी लेवल इनटू लाइट बीम, मींस ये लाइट बीम में कन्वर्जन करने का एक प्रकार का डिवाइस, एक प्रकार का मैकेनिज्म है। ये जो कंप्लीट हम यूज करते हैं ये मोस्टली सॉलिड स्टेट फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट फॉर्म की एफिशिएंसी बेटर होती है, 90-95% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। और हम इसकी जो डोपिंग करते हैं इनसाइड वो करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के रूप में। जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो एज ए इंप्यूरिटी एटम के रूप में होती है। अब यहां पे ये किस प्रकार से वर्क करती है, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम को हमने एनर्जाइज किया, एनर्जाइज किया तो वो अपर की तरफ जाएगा और अपर की तरफ जाएगा, और जब वो डिक्लाइन स्टेट में आएगा, मीन्स डिक्लाइन स्टेट में आएगा तो बेसिकली वो रिलीजिंग कंडीशन में रहेगा, तो उस समय ये कन्वर्जन होता चला जाएगा लाइट बीम के सोर्स में। तो यहां पे भी वही फंक्शन होता है कि लाइट बीम का जो सोर्स है उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है यहां पे ये क्रोमियम ऑक्साइड एज ए इंप्यूरिटी एटम। तो यहां से जब ऊपर से एनर्जी लिबरेट हुई, लिबरेट होने के बाद यहां पे ये जो एटम है ये अपर तरफ में जाएंगे, अपर तरफ मींस यहां पे इस फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरफ जाएंगे, फिर वापस डिक्लाइन स्टेट में नीचे की तरफ, मींस राइट साइड में वो मूव करेंगे। जब राइट साइड में मूव करेंगे तो लाइट बीम में कन्वर्जन होती चली जाएंगी, क्योंकि फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर का मेन फंक्शन यही है कि वो यहां से स्ट्राइक करें, रिफ्लेक्ट करें और वापस इस स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करें, राइट साइड स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करें। यहां से ये फैलती हुई जाएंगी इस फोकसिंग लेंस के ऊपर। अब फोकसिंग लेंस का मेन फंक्शन क्या है, इसको कंप्लीट को फोकस करे, जो ये बीम आई लाइट बीम, और फोकस करके एक पॉइंट पे इंपिंज करे, मींस इसको कन्वर्ज कर दे और कन्वर्ज करके इस वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक करे।
जब वर्कपीस पे स्ट्राइक होगा तो एक्सेस मटेरियल यहां से रिमूव होगा। यही चीज यहां पे बॉटम फेज में मैंने आपको बताई है कि मेनली रूबी क्रिस्टल जो होता है वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है और डोपिंग जो की जाती है वो क्रोमियम ऑक्साइड एज ए इंप्यूरिटी एटम के रूप में की जाती है। जो मेन फंक्शन है फोकसिंग लेंस का वो फोकस करता है लाइट बीम को और इम्पिंज करता है वर्कपीस पे। इस प्रकार से लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस की सहायता से हम एक्सेस मटेरियल को वहां पे रिमूव कर सकते हैं। ये थी दोस्तों लेजर बीम मशीनिंग। थैंक यू दोस्तों।